दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया। लोक नेता गणेश नाइक ने नई मुंबई को विजन दिया, विकास के जरिए इस शहर को सजाया और संवारा, और लोक हितैषी विकास के जरिए ऐसी सेवा और सुविधाएं देने की कोशिश की जिसकी वजह से नई मुंबई देश की नंबर वन सिटी बन सकी। इस विजन को आगे बढ़ाने में जुटे हैं उनके बेटे और ऐरोली के प्रथम विधायक युवा नेता संदीप जी नाइक। इस वक्त हमारे साथ स्वयं संदीप जी नाइक हैं और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि लोक नेता और पूर्व मंत्री गणेश नाइक का जो विजन है विकास का, उसे आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि राज्य में सरकार बदल गई है, सत्ता के समीकरण बदल गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए कि ये आज इस राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 3 साल पहले महाराष्ट्र के नागरिकों ने जिस गठबंधन को देखते हुए वोट दिया था, उसके विपरीत ही सरकार बनी, तो ये बनी हुई सरकार अनैसर्गिक है, ऐसे काफ़ी लोगों का कहना था। जिन लोगों के साथ प्रचार किया, जिन लोगों का मैनिफेस्टो और जो आश्वासन, जिस विचारधारा के साथ लोगों के सामने पेश किए गए, और चुनाव होने के बाद बिल्कुल 1 महीने में जिनके लिए हम लोगों ने वोट किया, जिस गठबंधन के माध्यम से महाराष्ट्र में काम होंगे ऐसा लोगों ने सोचा था, जिस विचारधारा को देखते हुए उन्होंने वोट किया, उनके विचारधारा के माध्यम से लोगों ने दिए वोट दिए हुए वो लोग अगर सत्ता में नहीं हैं, तो लोगों का देखने का दृष्टिकोण उसके लिए अलग था, लोग खुश नहीं थे। और अभी ये 1 महीने से मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, उनके माध्यम से बनी हुई ये नेचुरल सरकार, ये आने वाले उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठने के बाद इस कई 20-25 दिनों में आपने लिए हुए डिसीजंस आप देखेंगे तो ये काफी सकारात्मक निर्णय है, नागरिकों को मध्य नजर रखते हुए लिए गए हैं, और जिसका स्वागत पूरे महाराष्ट्र ने किया है। तो जो अनैसर्गिक था वो रुक गया, और जो नैसर्गिक है, जो लोगों के हित में है, इसका आगे समय अभी शुरू हुआ है, ऐसे में यहाँ पे कहूँगा। आपने कहा कि अभी नैसर्गिक सरकार आ गई है, पिछली जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी उसके कई ऐसे फैसले थे जो इस क्षेत्र के नई मुंबई के विकास में बाधा बन रहे थे, अब आपको सकारात्मक लग रहा है कि नई सरकार जो युति की सरकार बनी है उसके फैसले कहीं ना कहीं नई मुंबई के विकास के लिए सकारात्मक हो रहे हैं? देखिए कि अभी तो सरकार बनी है, अभी पूरे मिनिस्ट्री वहाँ पे बैठेगी, उसके बाद में ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स जिनका अनुभव है और जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, उनको उनकी काबिलियत के दौर पे उनको उस डिपार्टमेंट को लीड करने का मौका दिया जाएगा। देखिए कि सरकार बनती है, मंत्री महोदय बनते हैं, लेकिन प्रशासक, काम करने वाला अधिकारी उस क्षेत्र में उस विजन के साथ, जो विजन लोगों को बताया गया है, जो विजन राज्य के हित में है, उसको अनुभवी अगर अधिकारी उसको लीड करेगा, तो फाइनल आउटकम जो हमने सोचा है, जो लोगों के हित में है, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। इस पूरे गठबंधन को लोगों ने जिस विजन के साथ, विजन के लिए वोट किया, अभी आने वाले समय में जो गलत निर्णय लिए गए उनको रोका जाएगा। आपने जो पहले महाविकास आघाड़ी ने लिए हुए निर्णय है ये गलत है, और उसको रोकना ये उचित नहीं है, लेकिन जो गलत निर्णय है उनको रोक लगानी चाहिए, जो उन्होंने अच्छे निर्णय लिए उनको बढ़ाना चाहिए। तो नवी मुंबई शहर जिसकी पहचान पूरे राज्य में है, पूरे देश में है और विदेश में है, हर एक क्षेत्र में नवी मुंबई शहर है अलग तरीके से अपना नाम बना के बड़कड़ा रखा है, और ये सब करते हुए नागरिकों को
केंद्र बिंदु देखा गया है, तो इस 2.5 साल में जो गलत निर्णय जो इस शहर के अहित में है जो लिए गए हैं, निश्चित रूप से उसको रोकना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। और एक एक जो टेंडेंसी, एक जो जो गलत टेंडेंसी है जो शहर को अहित में लेके जा रही है, उस टेंडेंसी को भी बदलते हुए अच्छे स्वरूप में लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी अच्छे विचारों की सरकार आई है तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक बदलाव होंगे और वो बदलाव शहर को हित के ओर लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक विजन की जब बात होती है तो जब ये शहर नवी मुंबई शहर अस्तित्व में आया था, इसके आसपास पहले बहुत सारे शहर थे, पनवेल था, ठाणे था, दूसरे शहर थे, लेकिन एक व्यक्ति ने यहाँ इसके विकास का विजन देखा और आज ये दुनिया में एक ऐसा शहर बना जो नई पहचान कायम हुई इसकी, नवी मुंबई की, चाहे वो नागरिक सेवा सुविधाओं की बात हो या एडवांस सुविधाओं की बात हो, विद्यालयों की बात हो, गार्डन की बात हो, 24 घंटे पानी की बात हो, ये विजन लेकर जिस तरह से गणेश नाइक जी ने काम किया, उस विजन को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मकसद उनका था, जो विजन उन्होंने आज से 20 साल पहले देखा था, उस विजन को पूरा करने में आप सफल हुए हैं, कहीं बाधा है उसमें? देखिए कि आप पूरा MMR रीजन की अगर बात करें तो मुंबई शहर जिस गति से बढ़ रहा था उसके लिए पर्याय करके नवी मुंबई की निर्मित हुई। नवी मुंबई में पहले MIDC थी, बाद में सिडको आई। जैसे विकास और शहरों का होता गया वैसे ही नवी मुंबई का भी विकास हुआ। लेकिन नवी मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये MIDC और सिडको की रही है। लेकिन उस समय MIDC आई इस शहर में, सिडको आई, और एक ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका में ये शहर परिवर्तित हुआ। ये जो ट्रांजिस पीरियड था उस समय सही निर्णय लेके इस बदलती हुई स्थिति को समझते हुए हमारे शहर के नागरिकों का हित, शहर का हित, सुविधाओं के लिए दूरदृष्टिकोण, ये एक लीडरशिप ने देखने की काफी जरूरत है। बिल्कुल। और आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, उनका अनुभव, एक यूनियन लीडर, एक समाज सेवक, एक राजनीतिक पक्ष के एक नेता, इस माध्यम से उन्होंने जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया उस क्षेत्र का अच्छा जो उनका अनुभव है उसको एक शहर के हित के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस शहर का जो फाउंडेशन ले हुआ एक अच्छे विचार के साथ हुआ, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट था वो शहर का हित था कि हमारे शहर के लिए इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे निर्णय हैं, ये हमारे शहर में लिए जाए। इसलिए आप देखेंगे कि पहले साल ही इस महानगर पालिका का गठन होने के बाद में परिवहन व्यवस्था शुरू करने वाली नई मुंबई शहर पहली महानगर पालिका, जब उनका बजट 100 करोड़ के भी ऊपर नहीं था तभी हमारा खुद का डैम होना चाहिए, एक कभी असाधारण ऐसा एक निर्णय ये आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के माध्यम से लिया गया। परिवहन व्यवस्था, पानी का नियोजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे जो 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 प्रकल्प है जिसमें सब्सिडी मिल सकती है, ये प्रकल्प अपने शहर में लाने का प्रयास किया गया। और जो भी धोरण अलग अलग क्षेत्रों में निश्चितीकरण किया गया उसमें से एक फाउंडेशन ले हुआ। आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका और काफी सारी महानगर पालिका है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहीं पे भी 40% से कम नहीं। नवी मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अस्थापना का खर्च है वो 20% है। तो जिस शहर का अस्थापना का खर्च ही 20% है तो उसमें आने वो जो बचा हुआ रेवेन्यू है वो हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और हर समय कोई भी प्रकल्प इस शहर में आना है, कोई भी निर्णय आना है तो उसमें शहर को केंद्र स्थानी रखा है, इसलिए प्रकल्प आ रहा है। लेकिन ये प्रकल्प शहर के लिए हित के लिए है क्या? इस प्रकल्प का अभी का यूज और लॉन्ग टर्म यूज उसको भी मद्देनजर रखा गया। तो जो भी निर्णय किए गए उसमें दूरदृष्टिकोण, इस शहर का हित ये अहम रखा गया, इसलिए हर ये शहर हर क्षेत्र में हर टाइप में हमें प्रगति करता हुआ दिखाया गया क्योंकि इसका फाउंडेशन अच्छा। तो निश्चित रूप से इस शहर का पूरा निर्माण इसके लिए आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के विजन को हमें निश्चित रूप से एक महत्व इस शहर की निर्मिति के लिए देना पड़ेगा।
नायक साहब ने एक बहुत बड़ा प्लानिंग तैयार किया था, उसको नाम दिया गया था वन टाइम प्लानिंग। एक्चुअली वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग था कि दूरगामी दूर दृष्टि रख के 20 से 50 सालों के बीच का एक ऐसा विकास खाका तैयार किया जाए ताकि बार बार टुकड़े टुकड़े में विकास की बजाय इंटीग्रेटेड विकास को ज़्यादा प्राथमिकता मिले और शहर जो है अपने दम पर खड़ा हो सके। आपको लगता है कि ये आज के दौर की अब जरूरत हो गई है जो तब प्रासंगिकता जो बताई गई थी? देखिए कि ये गांव गांव से एक MIDC का इलाका, उसके बाद में सिडको, एक प्लान सिटी करके हम लोगों ने इस शहर को हमेशा से देखा है। तो इस प्लान सिटी में अगर कोई भी चीज आपको करनी है तो ये प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सी, मुझे आज लगा कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाओ, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे लगा कि यहाँ पे इस जगह पे ये सुविधा बनाओ, ये मुझे क्या लगता है इस चीज को महत्व नहीं है, इस शहर की जरूरत क्या है। और आज जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट ये आने वाले 25 साल 30 साल के लिए ये मैच करेगी क्या, उस समय की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करेगी क्या, ये सोच के साथ एक नियोजन करना जरूरी है। और ऐसा नियोजन करते समय नायक साहब ने एक जो हम चीज कर रहे हैं कि जब समझो आज एक सीवरेज लाइन का काम किया और सीवरेज लाइन काम करने के बाद में वो सीवरेज लाइन का काम हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने वापस रोड का काम किया और वो रोड का काम पूरा हो गया, वापस हमें लगा कि यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का काम करना चाहिए, तो वापस रस्तों की खुदाई की और वापस ड्रेनेज का काम किया। वापस कई MTNL है, MSEB है, कई फाइबर नेटवर्क है, उनके लिए वापस रास्ते की वापस ट्रेंचिंग की गई। तो रास्ता बनाना, रास्ता तोड़ना, सीवरेज लाइन बनाना, वापस उसको ड्रेनेज लाइन बनाना, ये प्लानिंग नहीं है। जो प्लानिंग एक समय की, उस प्लानिंग का यूज ये आने वाले 20 साल तक किया गया। जो रास्ता एक बार बनाया उसको वापस खोदने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें गड्ढे नहीं पड़े। और फैसिलिटी के देने की बात आई तो उसमें डक्ट्स अवेलेबल है, उस डक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे सिस्टम में सीवरेज लाइन, रस्ते, ड्रेनेज लाइन, फुटपाथ, इलेक्ट्रिफिकेशन, गार्डन्स, पार्किंग स्पेस, प्लेग्राउंड्स, और उसके बाद में जो इस शहर में आए हुए लोगों के लिए जो कॉमन फैसिलिटी है, कॉमन फैसिलिटी में समाज मंदिर हो, आज के दौर में अगर महत्व हम लोग देंगे तो UHP हो, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, माता बाल रुग्णालय, एक छोटा सा जनरल हॉस्पिटल, एजुकेशन फैसिलिटी और कम्युनिटी सेंटर, ये जो अभी अभी के दौर में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनका एक 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 मास्टर प्लान जो आने वाले समय में 25 साल तक कोई भी और उसमें खर्चा न बढ़े, उसको सिर्फ आप लोग एक एक अच्छे तरीके से मिनिमम कॉस्ट में मेंटेन करें और ये शहर के लिए सुविधा बने। और ये सुविधा एक जगह पे नहीं, ये सुविधा यूनिफॉर्मली पूरे शहर में लागू हो, इसमें कोई भी मतभेद न हो, उसमें गांव के लिए वैसी सुविधा, शहर के लिए वैसी सुविधा और स्लम इलाके के लिए भी वैसी सुविधा, और आने वाले बदलावों को विजुलाइज करके उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक एक अच्छा विजन, एक अच्छा प्लानिंग शहर को दे पाएंगे तो उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे शहर का पैसा हम लोग बचा सकते हैं। जो पैसा टैक्स के स्वरूप ही जनता देती है, तो जनता के हित के लिए एक अच्छा नियोजन के साथ काम करना, ये मैं गलत बात नहीं समझता। लेकिन कई समय कोई चीज़ हम लोग कोई विजन के साथ, लोगों को क्या लगता है उसकी राजनीति क्या होगी, उससे ये शहर के हित में है ऐसा विजन कोई लेके आता है और उसकी उस समय उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण होता है और शहर इसके लिए जूझते हैं, तभी हमारा शहर ये क्या अच्छा नियोजन के साथ आया, इसका महत्व लोगों को मालूम पड़ता है। और नायक साहब ने जो भी विचार शहर के लिए किया है, ये व्यक्तिगत हित या हमें क्या उसके लिए पब्लिक सिटी मिलेगी या हमारी हमको क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर ये शहर का हित है, इसमें शहर के लोगों का हित अगर छुपा हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने निर्णय लिए हैं और वो निर्णय काफी हद तक ये सही साबित हुए हैं, इसलिए पूरा ये आने वाले समय में भी हम लोगों ने देखा है। आपको सबसे पहला मौका मिला विधायक बनने का, क्या विजन था और आपके पास एक बड़ा दीर्घ पॉलिटिकल अनुभव आपके साथ नायक साहब थे और आपका युवा जो जो विचारधारा थी, जो युवा सोच थी, जो नए दौर की जरूरत थी, इन दोनों को मिलाकर आपने अरौली के क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह का विजन तैयार किया था और कितनी सफलता मिली? नहीं देखिए, ये नायक साहब का समाज नीति का, राजनीति का अनुभव
और उनके खुद का ही जो एक मतदार संघ था उसके चार भाग हुए और उसके एक भाग में इस एरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला। मुझे सब नवी मुंबई की एरोली की जनता, हमारे उस पक्ष के वरिष्ठ और जो विश्वास नाइक साहब ने भी मेरे प्रति व्यक्त किया, उस समय एक एरोली का सर्वांगीण विकास हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छी हो और अच्छी फैसिलिटी लोगों में मिले और केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना इस शहर में आए और ये सब आते हुए एक शहर का एक स्वास्थ्य टिके, ये शहर मेरा मतदार संघ हेल्दी मतदार संघ हो और इस मतदार संघ में निर्णय लेते समय ये निर्णय लेने से मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ या मैं उसमें किया ये क्या बात है, उससे ज्यादा इस एरिया के विकास का हित कहाँ पे छुपा हुआ। शॉर्ट टर्म निर्णय नहीं, जो भी निर्णय लिए गए वो लॉन्ग टर्म लिए गए। आप उस समय देखेंगे कि नवी मुंबई महानगर पालिका के खर्चे से कई ब्रिजेस बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन जब भी मैंने कहा कि अगर MMRDA इस पूरे MMR का एक पार्ट नवी मुंबई में है तो नवी मुंबई शहर के लिए MMRDA ने फंड देने चाहिए और काफी बड़े पैमाने पे कोपरखैरना का फ्लाईओवर हो, आरोली भुतवली महापे का फ्लाईओवर हो, ऐरोली का फ्लाईओवर हो, ये अच्छे प्रकल्प उस समय लिए गए। ऐरोली में जो मैंग्रो सेंटर बना, जो आज उस लेवल का आज एक भी एक सेंटर जो इंटरनेशनल लेवल का है, वो उस समय हम लोग वहाँ इस शहर में ला पाए। आप देखिए सबसे बड़ी चीज है कि महावितरण के माध्यम से एक नवी मुंबई शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एक 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 शहर करके एक MSEB के माध्यम से भी देखा जाता है, लेकिन उस पैमाने पे फंड्स यहाँ पे नहीं दिए जा रहे। तो Infra 1 Infra 2 सिर्फ ऐरोली में नहीं, पूरे नवी मुंबई में एक बड़े स्केल पे एक फंड नवी मुंबई में लाने के लिए हम लोग कामयाब रहे और वो सब फंड आने के बाद में वो फंड यूटिलाइज भी नहीं हो रहा था, पूरे नवी मुंबई में नहीं हो रहा था। MIDC सिडको का एरिया, NMC का एरिया, उसमें इनको परमिशंस नहीं मिल रहे थे। अरे यहाँ पे अगर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड केबल्स, उसके बावजूद वॉल बॉक्स, उसके लिए एक फंड आया है तो ये फंड यूटिलाइज करना भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस समय कोई भी पब्लिसिटी न लेते हुए आपने देखा रहेगा कि महावितरण, महानगर पालिका, सिडको, MIDC उनके साथ काफी मैराथन मीटिंग्स मेरी हुई और मैं सक्सेसफुल हुआ कि ये आया हुआ फंड यहाँ पे लेके आना और उसको यूटिलाइज करना। तो बड़े पैमाने पे शासन के माध्यम से आए हुए फंड्स, उसका यूटिलाइजेशन, उसका लोगों तक पहुँचाना, इसलिए काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल हो पाए और ये इस पूरे यंत्रणा को समझ के अपने शहर के हित के लिए धोरण लेके आना, ये भी काफी बड़ा चैलेंज था। तो एक सत्ता में रहने के साथ एक विपक्ष में भी रहने के साथ हमारे शहर की समस्याएं हैं हम लोग बताते हुए यहाँ के अलग अलग वर्ग के और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का प्रयास मैंने किया और सिर्फ विधायक के दौर पे हमके चुन के आना ये हमारी उपलब्धि नहीं है। हमें, हम लोगों ने ये किया ये दिखाना उपलब्धि नहीं, सही में हमें जो जिस पोजीशन हमें प्राप्त हुई है उसमें हम लोग लोगों के सुख दुख में जाते हुए एक सही में एक सामाजिक हित, एक सामाजिक संतुलन हम लोग इस शहर में बना पाए, इस चीज का एक समाधान हर एक में होना चाहिए। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है हमने। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। मुझे जो मौका दिया गया, लोगों ने जो प्यार दिया, जो विश्वास मेरे प्रति लोगों ने व्यक्त किया, उस माध्यम से 100% मैं देखे कि मैं जब भी सुबह शुरुआत होती है और दिन का अगर जब रात को हम लोग सोने के जाते हैं, इसमें आज मुझे मिले हुए लोग और मैंने जिन लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया उसमें मैं क्या दे पाया, उसका एक 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 इवेल्युएशन करने की जरूरत पड़ती है और उसमें मैं समाधान ही हूँ कि मेरा आने मिला हुआ अनुभव, मेरे दिया हुआ विश्वास, उसमें मैं कुछ कर पाया। लेकिन हर समय
और अच्छा करने की उम्मीद हम मन में लेके चलते हैं, तो बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन भविष्य में युवाओं की जरूरत क्या है? बिल्कुल, भविष्य में सीनियर सिटीजन लोगों की जरूरत क्या है? इस शहर में क्या धोरण जो हम लोग लाए, जिस धोरण के माध्यम से इस शहर का हित हम लोग साध सकते हैं, एक चीज में जाके एक चीज बनाना और वो चीज बनाने के बाद में उस चीज का इस्तेमाल लोगों को होता है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उसमें लोगों को समाधान है क्या, इसमें लोगों का हित दिखाया उसमें हित हम लोग देख रहे हैं क्या? तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। सिर्फ कुछ निर्माण करना जो प्रशासन का काम है, हम उनको सूचित करते हैं, लेकिन आने वाले समय में भविष्य की जरूरत, बनाए गए धोरण और उसमें एंड यूजर के पास क्या पहुंचता है और उसको पहुंचने के लिए हम लोग कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं क्या? सिर्फ बनाना और उसका इस्तेमाल और लोगों का हित, ये अलग अलग पहलू है। जो काम प्रशासन ने करना चाहिए, जो लोगों के माध्यम से हमें सूचित करना चाहिए, ये तो बात जरूरी है। ये प्रशासन की दिरंगाई है, उनमें काम करने के लिए वो थोड़ा सा कम पड़ते हैं, तो उनको हम लोग पुश करते हैं, हम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारा बड़ा जो चैलेंज है और जो हमारा काम है, ये व्यवस्था को एक भविष्य के हित के लिए इस चीज को तैयार करना, जो लास्ट जो इंसान है जिसको फैसिलिटी मिल रही है, उसको दिक्कत हो रही है, उसका समाधान करना, उसके लिए पर्याय ढूंढना, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और वर्क, इस शहर के अलग अलग वर्क के, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए ये कंट्रीब्यूशन करना, उसके लिए सोचना और उसमें बदलाव लाना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम कोई भी लोक प्रतिनिधि का है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप युवा नेतृत्व हैं और बड़ी उम्मीद आपके साथ है इस शहर को, कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से वो जो जरूरतें हैं भविष्य की, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि जो भावी जरूरतें हैं आने वाले समय में इस सिटी के नए दौर के युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों से लेकर युवाओं के सभी लोगों की जरूरतें पूरी करेगी, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, एडवांसमेंट के मामले में हो या नागरिक सुविधाओं के मामले। देखिए, एक मुकाम आपने हासिल किया और आपको पूरे सब लोगों ने आपकी सराहना की, तो उस मुकाम को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज। यस, कोई भी सर्विस ये एक बार अच्छी है करके उसको लगातार अच्छा रखना, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे अप करना, एक बार एक लेवल पे जाने के बाद में और ऊपर के लेवल के लिए जाने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और नवी मुंबई ने जो किया, ये नवी मुंबई की एक खुद की सोच थी, अभी इस सोच को और लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अभी नया से इस चीज को बनाना और एक एक विजन के साथ उसको लिफ्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम लोग ऐसे कोई निर्णय न ले, कोई राजनीति में मैं सबसे ज्यादा परेशान होता हूँ कि जब कोई चीज करने के लिए वो राजनीतिक खुद का स्वार्थ देखते हैं, राजनीतिक खुद का हित देखते हैं, और उसमें जो शहर का हित अहित हो रहा है उनको वो मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोग अपना खुद का स्वार्थ देखने के लिए हम लोग शहर का कितना अहित देख रहे हैं, नुकसान कितना होता है। हाँ। और जो अच्छी चीज होती है, जो सबको मालूम है ये चीज अच्छी है, ये धोरण अच्छा है, लेकिन हम लोग विपक्ष में है, हम लोग दूसरे साइड में, तो हमें उसका क्रिटिसाइज ही करना चाहिए। और कुछ लोगों को बड़ा होने के लिए खुद को बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करके ही खुद को बड़ा होना है। तो कुछ आप कुछ व्यक्ति देखेंगे, कुछ प्रवृत्ति है, उसको व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति बोलूंगा, वो कभी भी आप मिलेंगे तो बोलेंगे कि वो क्रिटिसाइज ही करेंगे कि ये ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, अरे उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन उसने अच्छा क्या किया। और शहर आज कौन से मुकाम पे है वो खूब शांति से जरा बैठ के आप सोचो, और आप दूसरों की गलतियां निकालने से अच्छा आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो आप अच्छा करने का प्रयास करो। तो ऐसी धारणा अगर राजनीति में रही तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत किसी को क्या नुकसान हुआ है, उससे ये शहर का क्या नुकसान हुआ है, और वो चीज जो शहर का नुकसान होता है वो चीज मुझे काफी व्यथित करती है, मुझे दुखी करती है। तो आने वाले समय में ये मैच्योरिटी और ये समझ, ये सभी राजनीतिक और सभी जो लोग अपने बात करने से, अपने व्यवहार से इस शहर की विकास को रोकते हैं, इनमें ये समझ आने की काफी जरूरत है कि जो अच्छा चीज है उसको हमें अच्छा ही कहना चाहिए और उसमें शहर का हित हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए।
और आने वाले समय में इस शहर को काफी सिंपल रखना, अच्छे प्रकल्प शहर में लेके आना, और उसी को दिखाने के लिए नहीं, सही मामले में वो प्रकल्प लोगों के लिए अच्छे होने चाहिए, ईज ऑफ लिविंग लोगों को सहज होना चाहिए। अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल में गया तो सहजता से उसको इलाज ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सही इस्तेमाल मिलना चाहिए, उसको खर्चा कम होना चाहिए। अगर एजुकेशन है भी तो सहजता से एजुकेशन सबको सहजता से मिलना चाहिए। आपका अगर कम्यूटिंग है, आपको चल के जाना है, आपको ई साइकिल लेके जाने का है, आपको बस में जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, तो ये भी सुविधा काफ़ी सहजता से होना चाहिए। तो ये अलग डिफरेंटली बनाने से सहजता को मेंटेन करना और आज तक इस शहर ने जो मुकाम हासिल किया है उसको न बिगाड़ना, कोई भी गलत ऐसे डिसीजन निर्णय न करना कि जिसकी वजह से इस शहर का अहित हो, ऐसा विजन डेफिनेटली हमें सेट करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग ओरिजिनल चीज़ सेट करते हैं तो उसके लिए दिक्कतें आती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है और आपके डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है और उसमें स्पष्टता है तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई तो आती है, आपको लोगों के आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जब एक निर्मिति होती है, अगर वो निर्मिति लोगों के हित के लिए हुई या अच्छी हुई तो उसका समाधान भी आपको मिलता है। तो एक इस शहर को हेल्दी शहर बनाना, इज ऑफ लिविंग शहर बनाना और सबसे एक सिंपल शहर बनाना, यही भविष्य में हमारा विजन रहेगा। बहुत बढ़िया आपने विजन रखा है सर। नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव अभी नज़दीक आ गए हैं और जैसा कि इस सरकार के बनने के पहले तक कुछ समय तक सीधा मुकाबला महाविकास आघाड़ी दलों के साथ था, अब आपको लगता है कि कुछ लोग आपके आपके साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, तो ये मुकाबला कहीं खत्म हो गया है और एक क्षेत्र जो आप लोगों का विजन था कि नई मुंबई महानगर पालिका में दोबारा सत्ता होगी उसका रास्ता साफ हो गया। देखिए, हर साल के इलेक्शन आपने देखे हैं तो हर साल यहाँ पे जो सुनने को गया है कि एक बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज एक गणेश जी नाइक साहब और पक्ष के लिए हमेशा ही रखा जाता है। लेकिन जिस सहजता के साथ उनका हमेशा ही एजेंडा ही वही होता है कि हमारे शहर का हित और हमारे शहर का प्रोग्रेस, यही एजेंडा लेके हमेशा वो चुनाव में जाते हैं। और हमारी कॉम्पिटिशन ये पक्ष है, दो पक्ष है, सब मिलके है, नहीं है। हमारी कॉम्पिटिशन ये हमारे साथ ही है। हमारा मकसद इस शहर का हित है, इस शहर का प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस का एजेंडा जब हम लेके आगे जाते हैं तो आज तक का हमारा जो अनुभव है कि जो काम किए गए हैं, जो लोगों के सामने है, जो विश्वास आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने नवी मुंबई के लोगों को दिया, इसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। सिर्फ बोलना दिखाना उससे अच्छा जो हुआ है, और एक तुलनात्मक हम लोग जब इस शहर का और शहरों के साथ तुलना करते, लीडरशिप की तुलना करते, देखिए कि सिर्फ विकास और इस चीज़ों के बारे में बात हम लोग करते ही, लेकिन इस शहर का नेतृत्व भी ऐसा होना चाहिए कि जो शहर को सुरक्षित रहे। कोई भी प्रसंग, अभी आपने देखा है कि एक कोरोना जैसा कठिन प्रसंग है इस शहर में, लेकिन ऐसे समय में भी एक जो स्थिति में हम हैं, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करीबन 60 से भी ज्यादा समय नाइक साहब खुद महानगर पालिका में गए, उन्होंने अपनी बातें कही, शहर के हित के बारे में बातें कही, और उसमें शहर का हित उन्होंने देखा। तो लोग, अभी की जनरेशन यूथ है या जो भी एजुकेटेड लोग हैं या शहर सर्वसाधारण जो लोग गांव में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन शहर के हित के लिए प्रयास कर रहा है, किसके एफर्ट्स शहर के हित के लिए जा रहे हैं। सो दिखावे पे बिलीव करने वाला शहर ये नवी मुंबई शहर नहीं, सच्चाई को समझने वाला, डेवलपमेंट को समझने वाला और सही चीज़ की परख रखने वाला शहर ये नवी मुंबई शहर है। ये विविधता से शहर, इस शहर में राज्यों के अलग अलग प्रांतों से कोई ऐसा राज्य नहीं कि जिसका प्रतिनिधित्व नवी मुंबई में ना, हर धर्म के, हर पंथ के, हर भाषा के, हर वर्ग के, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस शहर में है। और ये शहर सेंसिटिव है, ये इमोशनल है, कोई भी संकट आता है लेकिन इस संकट समय में सब एक हुए हुए आप देखेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जिन्होंने इस कोरोना के समय में इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास नहीं किया। तो ये अच्छी लीडरशिप समझता है, और ये अच्छी लीडर डेवलपमेंट के साथ एक अच्छी लीडरशिप
जो सब सबको समझ के सबको साथ लेके जाने वाली हो, ये भी शहर को मिलना काफ़ी ज़रूरी है। और ये एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी लीडरशिप नवयुवक को नाइक साहब के माध्यम से मिली है, और मैं हमें हमने भी उनको देखते हुए समाज नीति और राजनीति की है। तो ये भाग्य है कि हमें क्या करना है और कैसे समय में हमारा बर्ताव, आप कौन से पोजीशन पे है, लेकिन हमें उसी समय भी हम लोग अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए नाइक साहब हमारे साथ में है। और दूसरी तरह की एक भारतीय जनता पार्टी, आप अगर एक 7 साल का एक पूरे भारत का अगर आप विकास देखेंगे, भारत जिस तरीके से सशक्त हुआ है, एक अच्छे कठोर निर्णय लिए गए, लेकिन उसके बावजूद एक सुरक्षित देश, एक राष्ट्रहित के लिए सबको एक साथ जुड़ के एक आगे जाने लेके जाने का प्रयास, और हर क्षेत्र में अपने देश की प्रगति। आज पूरा विश्व एक मंदी के सावट में है, लेकिन उसमें एक देश एक आगे आ रहा है, वो भारत देश। यूक्रेन रशिया के वॉर में एक फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, एक ह्यूमैनिटी क्या होनी चाहिए, और उसी ह्यूमैनिटी को समझते और देशों को इस कोरोना की स्थिति में मदद करते हुए अपने देश का स्तर कैसे बढ़ाए, उसके लिए जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिए, ये सराहनीय है। और ये अपने को हर एक व्यक्ति को एक राष्ट्रहित आप मन में रखिए, उस राष्ट्र के लिए भी आप अपना खुद का योगदान दीजिए, इसके लिए प्रेरित करने वाले ये विचार है। और मैं हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, जो आज इस राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनकी भी प्रयासों को मैं यहाँ पे उनकी सराहना करूँगा। एक विपक्ष में होने के बावजूद ग्रामीण भाग, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, जो फार्मर्स हैं उनके हित के लिए इस कोरोना काल में जिस तरीके से उनके माध्यम से दौरे किए गए, गलत चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया, अच्छी चीज़ होने के लिए उन्होंने जो फॉलोअप किया, जो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, उसके माध्यम से निश्चित रूप से अगर जो लीडरशिप आपको किस दिशा में लेके जा रही है, वो आपको क्या विजन दे रही है और आपको क्या अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसके बाद भी उसमें एक व्यक्तिगत एक निर्माण होता है, एक शहर निर्माण होता है। और जिस समय में हमारी केंद्रीय लीडरशिप पक्ष के धोरण, राज्य में हमारे जो लीडरशिप है उसके धोरण, और नवी मुंबई शहर में एक अनुभवी व्यक्ति जिसमें हमेशा ही नवी मुंबई के विकास के लिए उनके मन में हमने ध्यास देखा है, और उनके अनुभव का वापर उन्होंने हमेशा ही इस शहर के हित के लिए किया है। ऐसे व्यक्ति मत्व के साथ काम करना ये हमारा मैं भाग्य समझता हूँ। और निश्चित रूप से नवी मुंबई इस शहर का जो आने वाला फ्यूचर, ये निश्चित रूप से एक 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 सुरक्षित हाथों में रहेगा और एक और अलग एक मुकाम पे ये शहर पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नई मुंबई को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं गणेश नाइक साहब का दीर्घ अनुभव और आपका विजन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से नई मुंबई को किस मुकाम पर अगले कुछ सालों में आप देखना चाहते हैं? देखिए कि हर क्षेत्र में हम लोग नवी मुंबई को सर्वोत्कृष्ट देखना चाहते हैं, और सर्वोत्कृष्ट कोई अवार्ड मिलने के लिए नहीं, इस शहर में रहने वाला हर एक इंसान ये खुद को सुरक्षित महसूस करे, इस शहर में जो टैक्स पेयर है उसको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, और उसके साथ वर्ल्ड बेस्ट फैसिलिटीज हमारे शहर के लिए हर क्षेत्र में उपलब्ध हो, जो नया आने वाला तंत्रज्ञान, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से इस शहर में किया जाए। सिर्फ टेक्नोलॉजी और कुछ बड़े बड़े नाम लेके कोई प्रकल्प लाना और सही मामले में लोगों का हित न होना, ऐसे नहीं, जो लोगों के हित में है वो चीज़ हमें यहाँ पे लानी चाहिए, जहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है उसको रेक्टिफाई भी करना चाहिए, उसको अल्टर करना चाहिए, उसको अमेंड करना चाहिए, और उसके साथ सभी लोगों का सुन के, सभी लोगों से बात करके, हर एक इस शहर के हर एक व्यक्ति के विकास का विचार करते हुए इस शहर को आगे बढ़ाना, और इस शहर का जो आज तक की जो कामयाबी है उसको और ऊपर स्तर पे लेके जाने का विजन और प्रयास का ही विजन हम लोग हमेशा देखेंगे। नई मुंबई महानगर पालिका में फिर सत्ता आएगी, आपके नेतृत्व में फिर विकास की रफ्तार बढ़ेगी। निश्चित रूप से कि आज हमेशा जब भी चुनाव हुए हैं तो इस नवी मुंबई शहर की जनता
ये सुजान है और शहर का हित, शहर को सुरक्षित रखने वाला नेतृत्व वो भी ये समझते हैं, और जो कार्यकर्ता और जो पक्ष के जो लोक प्रतिनिधि जिस तरीके से इस 2.5 साल में और ये 20 साल में उन्होंने परफॉर्म किया, तो निश्चित रूप से फिर एक बार इस शहर के विकास के लिए, इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए और इस शहर का स्तर आगे बढ़ाने के लिए ये जनता फिर एक बार एक अच्छे विचारों के साथ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप युवा आइकॉन माने जाते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करने वाले हैं और जो राजनीति में आपको एक साफ सुथरे व्यक्तित्व के तौर पर देख रहे हैं? देखिए कि आप जीवन में जो अच्छी चीज है उसका स्वीकार करें, जो आप में जो भी खामियां हैं, गलत चीजें, उसका हमें त्याग करना चाहिए। हमको हर एक का सम्मान करना चाहिए और किसी को गलत बोल के हम बड़े नहीं हो सकते। हमें अपने खुद के बुनियाद पे हमारा एक काम का एक 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 एक, एक अध्याय हमें खुद तैयार करना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। समय हर एक का अच्छा भी आता है, संघर्ष का भी आता है, उस समय अच्छे विचारों से जुड़ना और हमारे कर्म के ऊपर विश्वास रखना और खुद को आनंद मिलते समय दूसरों को भी आनंद रखने का प्रयास जो व्यक्ति करेगा वो अपने जीवन में समाधानी होगा और यशस्वी होगा। और नाइक साहब की जो हमारे ऊपर संस्कार है, जो नाइक साहब का कर्तृत्व है, वो हमें सभी लोगों को उसी दिशा में लेके जाता है और हम न डरते हुए न बहते हुए इसी एक प्रोग्रेस के दिशा में, सकारात्मक की दिशा में हम लोग, हमारा आने वाला एक एक जो जो एक प्रवास है वो ऐसी दिशा में करे, ऐसे ही अपील मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऐरोली के प्रथम विधायक युवा नेता संदीप जी नाइक को। गणेश नाइक साहब का दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव और नए दौर की सोच के साथ जिस तरह से आप नई मुंबई के विकास और खासकर ऐसा विकास जो लोगों के लिए सुखदायी हो, ऐसे विकास की जो जो इन्होंने रूपरेखा रखी है, जो विजन तैयार किया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये विजन सफल होगा और नई मुंबई को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नए मुकाम पर पहुंचाने में भी सफल रहेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।